हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जावेद प्रतापगढ़ी। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी डिजाइन लेके आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही खास घर के डिजाइन है। दोस्तों आप उसे अपने मुताबिक बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो उसे सिंगल फ्लोर भी बना सकते हैं दोस्तों, और अगर आप चाहें तो उसे डबल फ्लोर का भी बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको दोनों फ्लोर बना के भी दिखा दूंगा और आपको इंटीरियर डिजाइन भी दे दूंगा दोस्तों। आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहें आप अपने हिसाब से उस तरह से बनवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप भी नए हैं दोस्तों मेरी तरह, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको 3D में दिखाऊंगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक 2D में भी दिखाऊंगा कि इंटीरियर डिजाइन किस तरह से है, कितने बाई कितने का है। आपको कागज और कलर की मदद से मैं आपको फुल डिटेल वीडियो देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसी घर को आपको 3 तरह से दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं इसी घर को आपको 3 तरीके से दिखाने वाला हूं, जैसे कि ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर। तो दोस्तों अगर आप सिंगल फ्लोर ही बनाना चाहते हैं तो उस तरह से हम आपको भी बना के दिखाएँगे कि अगर आप सिंगल फ्लोर बनाएंगे तो हमारा घर किस तरह से दिखेगा। और दोस्तों उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर आपके पास बजट हो, अगर आप सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसा आप अभी देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आप सेकंड फ्लोर भी बनवाना चाहेंगे तो दोस्तों इस तरह से आपका घर दिखेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप अगर सिंगल फ्लोर ही बनाएंगे तब हमारा घर किस तरह से दिखने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वेट करिए, अभी हम आपको सिंगल फ्लोर का भी दिखाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो दोस्तों, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा मेरा घर लगा, ठीक है दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, अगर हम सिंगल फ्लोर बनाते हैं अपने घर को तो हमारा घर कुछ इस तरह से दिखने वाला है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ये बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम एरिया में बनने वाला घर है दोस्तों। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो इस तरह से बनवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास घर के डिजाइन का एक नक्शा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो डिजाइन है, ये जो मॉडल है दोस्तों, इसे हमने ईस्ट फेसिंग हाउस डिजाइन बनाया है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो ये ईस्ट फेसिंग हाउस है दोस्तों। दोस्तों इसकी जो टोटल चौड़ाई है दोस्तों, जो इसकी विथ है वो है 26 फीट की, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी टोटल लंबाई होने वाली है वो होने वाली है 44 फीट की, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा टोटल एरिया होने वाला है दोस्तों वो होगा 26 बाई 44, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये हमारा कितना रूम है और कितने बाय कितने का टोटल ये होने वाला है। तो हम इसके अंदर का भाग देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा पोर्च एरिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम घर के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। तो जब हम पोर्च में पहुंचेंगे दोस्तों, तो हमने साइड से एक डोर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये डोर जो है दोस्तों वो आ रहा है हमारे ड्राइंग हॉल में, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ड्राइंग हॉल है दोस्तों वो होने वाला है 14 बाई 12 फीट का, ठीक है दोस्तों। ड्राइंग हॉल में हमने दोस्तों दो विंडो दी हुई है, जैसे कि एक विंडो यहाँ पे है दोस्तों सामने, और एक विंडो हमने साइड में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जब हम फिर से ड्राइंग हॉल से आगे निकलेंगे दोस्तों, तो हमें एक गैलरी दिख रही होगी दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों हमने ड्राइंग हॉल के ठीक सामने एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है दोस्तों, और कॉमन टॉयलेट बाथरूम के ठीक सामने हमने एक स्टेयर का स्पेस दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है वो होने वाला है 8 फीट बाई 4 फीट का, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और जो हमारी स्टेयर होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है 8 फीट बाई 6 फीट में, ठीक है दोस्तों। जो हमारी सीढ़ियाँ होने वाली है वो 8 फीट बाई 6 फीट में होने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम है दोस्तों, वो होने वाला है 12 बाई 12 का, ठीक है दोस्तों, 12 फीट बाई 12 फीट का। और मास्टर बेडरूम से दोस्तों हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम जोड़ रखा है दोस्तों, जो कि होने वाला है 6 बाई 6 फीट का, ठीक है दोस्तों। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है हमारे मास्टर बेडरूम का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम एक दूसरा बेडरूम देख लेते हैं दोस्तों, वो भी होने वाला है 12 बाई 12 फीट का दोस्तों। और दूसरे वाले बेडरूम से हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम जोड़ रखा है दोस्तों, जो कि सेम होने वाला है 6 फीट बाई 6 फीट का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमने एक किचन बनाया हुआ है दोस्तों, ये जो किचन है दोस्तों वो वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा किचन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 8 फीट बाई 8 फीट का, ठीक है दोस्तों। किचन के बाद हमने दोस्तों एक स्टोर रूम बनाया हुआ है दोस्तों। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक पूजा घर बना भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी हमने स्पेस दिया है दोस्तों, आप यहाँ पे पूजा घर बना सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे दोस्तों, आप या तो यहाँ पे पूजा घर बना सकते हैं या फिर यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो जो पूजा घर है दोस्तों हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और जो स्टोर रूम है दोस्तों वो हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा स्टोर रूम का स्पेस होने वाला है वो होने वाला है 4 फीट बाई 8 फीट का, जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में हमने दो बेडरूम और बनाया है दोस्तों। तो लास्ट में जो लेफ्ट साइड में हमारा बेडरूम है दोस्तों वो होने वाला है 10 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे राइट साइड पर बेडरूम होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 12 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे ग्राउंड फ्लोर के डिजाइन के नक्शे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी वीडियो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल वीडियो लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।